हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी गोरखपुर लखनऊ ट्रिप के तीसरे व्लॉग में। मैं कल शाम को मतलब रात को मैं गोरखपुर से लखनऊ आ गया था। आज मैंने सुबह से लखनऊ में रेस्ट किया है। अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 होने वाले। मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मतलब शूट कर रहा हूँ मैं लखनऊ रिंग रोड को। अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे। ड्रोन मैंने सेटअप कर दिया है, अब शूट स्टार्ट करूँगा। थोड़े से नाइट शॉट लूँगा, थोड़े से डे शॉट। लखनऊ रिंग रोड पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है तो इसकी मैं फाइनल वीडियो बनाने वाला हूँ। घड़ी पहनना भूल गया हूँ, होटल में रह गई है घड़ी। चलो फिर शूट स्टार्ट करते हैं। 5:15 हो चुके हैं, अब मैं आ गया हूँ ये क्या है, सॉरी भूल गया, हाँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के ऊपर, ये रही रिंग रोड। अब ये रिंग रोड बची है तकरीबन 40 किलोमीटर से भी कम बची है। यहाँ पर इंटरचेंज नहीं है, मतलब रिंग रोड में और एक्सप्रेसवे में इंटरचेंज नहीं है यहाँ पे। चलो शूट करते हैं जल्दी से क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। फिर जितने भी मेरे को ड्रोन शॉट लेने हैं लाइट वाले वो अभी ले लेता हूँ, फिर थोड़े से नाइट शॉट लूँगा। ओके गाइज, रिंग रोड की वीडियो का शूट पूरा हो गया, अब बढ़ते हैं लखनऊ की तरफ। लेकिन मेरे को पहले मैं यहाँ से एग्ज़िट करूँगा, आगे जाऊंगा, वहाँ से यू टर्न लेके फिर जाऊंगा लखनऊ की तरफ और भरवाऊंगा सीएनजी कल के लिए। अभी से भरवा के रख लेता हूँ, कल मॉर्निंग में भरवाने की नीड नहीं पड़ेगी। फिर कानपुर क्रॉस करने के बाद में ही भरवाऊंगा सीएनजी। ओके गाइस, फाइनली रूम में पहुँच गया हूँ। 8:06 हो चुके हैं। लास्ट क्लिप के बाद मेरे को एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा जाम मिला क्योंकि लोगों, बस छोड़ो उस बात को। फिर सीएनजी स्टेशन पर बहुत टाइम लग गया मेरे को भरवाने में क्योंकि जो भी यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है तो जो भी जो टैंकर ट्रक के ऊपर जो सिलेंडर होते हैं वो वाला ट्रक हटा, दूसरा लगा, प्रेशर बना, प्रेशर बनने में टाइम लग गया तो 10-15 मिनट वहाँ पे। और फिर मैं लाइन में लगा तो 40 मिनट मेरे को सीएनजी भरवाने में लग गई। एक बार तो मेरा मन किया छोड़ कल भरवा लियो, लेकिन मैं भरवा के आया हूँ। अब पिछले वाले ब्लॉग को डालूंगा तो आप लोगों से मिलता हूँ कल सुबह मस्त नहा धो के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मस्त नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, पैकिंग हो चुकी है, ब्रेकफास्ट करके आ गया हूँ। 8:30 हो चुके हैं, चलो निकलते हैं, 9:30 तक पहुँच जाऊँगा आज की अपनी स्टार्टिंग लोकेशन पे। नौ बज के 8 मिनट हो चुकी हैं और आज की अपनी स्टार्टिंग लोकेशन के ऊपर पहुंच गया हूं। सामने की तरफ है अमौसी रेल मेट्रो स्टेशन, पीछे की तरफ है ट्रांसपोर्ट नगर का मेट्रो स्टेशन। अब यहां से हम करेंगे शूट स्टार्ट। अब आप लोगों से मैं मिलूंगा कानपुर पहुंच के, अगर बीच में कुछ बताने लायक हुआ, इन्फॉर्मेशन देनी हुई तो वो मैं आपको दूंगा। हेलो दोस्तों, 12:15 हो चुके हैं और मैं बढ़ रहा हूँ अब उस पॉइंट पे जहाँ पर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे को क्रॉस करके जाएगा। 9.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया, अब मैं एक लोकल रोड के ऊपर आ गया हूँ। वैसे तो ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है लेकिन इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन वो जो क्रॉसिंग वाला पॉइंट है उसको क्रॉस करने के बाद में तो काफी अच्छी हालत हो गई है। मैं इस पे 3-4 बार ड्राइव कर चुका हूँ तो इधर तो हालत खराब है, लेकिन क्रॉसिंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद में इस रोड को अच्छा बनाने का काम किया जा रहा है। अब देखो, पिछली बार तो काफी हद तक काम पूरा हो गया था उसका, लेकिन कुछ पैचेस थे जो खराब थे। 3.5-3 किलोमीटर आगे की तरफ आने के बाद में रोड कंडीशन अच्छी हुई है, मतलब रोड बना दी गई है यहाँ पे अच्छा। चलो अब मैं आराम से 40 की स्पीड में चल सकता हूँ। पहले तो मैं पहले या दूसरे गियर में ही चल रहा था बस। अच्छी रोड का पैच हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर का था, उसके बाद तो आप देख सकते हो रोड की कंडीशन ना और खराब हो गई है, वो तो अच्छा है। हाल फिलहाल में इधर बारिश नहीं आई है, वरना इधर तो और हालत खराब हो जाती क्योंकि बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं। फिर समझ में नहीं आता भैया कौन से गड्ढे में से पानी मतलब गाड़ी निकाल ली है। क्रॉसिंग से पहले ये एक पैच आ गया है जहां पे देख सकते हो रोड मार्किंग
भैया। पहुंच गया क्रॉसिंग पॉइंट पे, इस साइड से आ रहा है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, इस साइड से गंगा एक्सप्रेस वे। चलो ड्रोन से आपको एक फोटो दिखा देता हूँ यहाँ की। अभी क्रॉसिंग की लोकेशन का शूट हो चुका है, अब मैं बढ़ रहा हूँ उन्नाव की तरफ, मतलब नेशनल हाईवे 27 यानी कानपुर उन्नाव लखनऊ रोड की तरफ। 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 19 मिनट दिखा रहा है मेरे को। रोड बनी हुई है इसका मतलब अच्छी। दो बज के 6 मिनट हो चुके हैं और शूट पूरा हो गया है। पीछे की साइड में आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे पियर, ऐसे पूरा यहाँ पर ट्रम्प पेट इंटरचेंज बनाया जा रहा है। फोटो में आपको दिखा देता हूँ, सॉरी एटीट्यूड नहीं मार रहा हूँ, चश्मे बस मैंने आंखों में पसीना आ रहा है ना और सामने से धूप आ रही है इसलिए मैंने पहन लिया। अभी हालत ख़राब होगी गर्मी में, अगर मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता तो 2 घंटे पहले शूट मेरा हो जाता, क्योंकि मैं नॉर्मली 6:30-7 बजे शूट स्टार्ट कर देता, लेकिन आज 9:15 बजे शूट स्टार्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। अब मैंने घर का अभी डिस्टेंस डाला है तो डिस्टेंस आ रहा है 517 किलोमीटर, 7 घंटे 24 मिनट ETA आ रहा है 9:30 बजे का। अब ना मेरे पास 9:30 यार बहुत लेट हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो। मेरे पास ऑप्शन है, मैं कानपुर नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि अभी तो दिन है और अभी एनर्जी है, मैं आगरा रुकता हूँ और आगरा रिंग रोड वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं कवर कर लेता हूँ। ये मैं करने की सोच रहा हूँ और मैक्सिमम चांसेस हैं मैं यही करूँगा, क्योंकि 9:30 का ETA बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि मैं शाम तक आगरा पहुँचूँगा और फिर जाके मैं वहाँ पहुँचूँगा मतलब नोएडा। फिर जब तक मैं नोएडा पहुँचूँगा ऑफिस का ट्रैफिक होगा, फिर सिटी का ट्रैफिक सारा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मेरे को पहुंचने में, तो काफ़ी हेक्टिक दिन हो जाएगा फिर मेरा। मैं इससे अच्छा आगरा रुक जाता हूँ, घर वालों को इन्फॉर्म कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। कानपुर के आउटर से निकलना एक अभी भारी काम है NH27 का यूज़ करते हुए, क्योंकि यहाँ पे ना नया अंडरपास बनाया जा रहा है जिसके कारण आप देख ही रहे हो काफ़ी स्लो डाउन रहता है। अब जब तक ये नहीं बनता है यहाँ पर हालत ऐसी ही ख़राब रहती है। मैं दूसरी बार फंसा हूँ ऐसे यहाँ पर, पहली बार फंसा था मैं जब मैं प्रयागराज से आ रहा था तब, जब तो थोड़ा मॉर्निंग का टाइम था तो मैं निकल गया था जल्दी से, लेकिन आज तो प्रॉपर आफ्टरनून हो रहा है तो काफ़ी टाइम लग रहा है मेरे को। ओके, स्लो डाउन से तो निकल आया हूँ और अब मैं पहुँच गया हूँ उस पॉइंट पे जहाँ से क्रॉस करेगी कानपुर रिंग रोड NH27 को। देख सकते हो यहाँ पे पियर रेडी हो रहे हैं। CNG भी भरवा लिया, अब आगरा तक CNG भरवाने की नीड नहीं पड़ेगी, अब हम कल मॉर्निंग में ही भरवाएंगे CNG या आज इवनिंग में भरवा के सो जाएंगे। CNG भरवाने के बाद 51 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर लिए, अब ट्रैफिक का जो लोड है मतलब ट्रक ट्रैफिक जो है वो कम हो गया। जब आप कानपुर से निकलोगे तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा ट्रक्स मिलते हैं, लेकिन जब NH19 और NH27 अलग अलग हो जाते हैं तब थोड़ा सा लोड कम हो जाता है, रोड कंडीशन भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस टाइम जहाँ पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पर रिजिड पेवमेंट है, मतलब कानपुर से निकलने के बाद पूरा मेरे को रिजिड पेवमेंट मिली है, मतलब कंक्रीट की रोड मिली है, क्वालिटी एक नंबर है, कोई इशू मेरे को नहीं आ रहा है, मस्त मैं अपना 90 की स्पीड पे चल रहा हूँ। बीच बीच में कभी कभार कोई ट्रक्स आ जाते हैं जो 2 साथ में चल रहे होते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर वेट करना पड़ता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मस्त चल रहा हूँ। इटावा का डिस्टेंस रह गया है 80 किलोमीटर से भी कम। अब
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर आ चुका हूँ। टाइम हो गया है 5:15। मेरे को इस एक्सप्रेसवे के ऊपर रहना है 75 किलोमीटर, अब 74 हो गया। मैं NH-19 से भी आगरा जा सकता था, लेकिन बात ये थी कि मैं NH-19 से भी जा सकता था आगरा, क्योंकि वो भी 19 आगरा ही जाता है। लेकिन जो मेरा होटल है वो है ताज ईस्ट गेट की तरफ, तो मैं NH-19 पे जाता, फिर मैं रिंग रोड में कनेक्ट होता, फिर मैं रिंग रोड का टोल देता, फिर जाके मैं इधर आता। तो मैंने डिसाइड किया इससे चलते, इससे मैं जल्दी भी पहुंचाऊंगा। अब हार्डली मेरे को अभी 1 घंटा लगेगा आगरा पहुंचने में, तो इधर से अपना एग्जिट करूंगा, टोल भी नहीं देना पड़ेगा इनर रिंग रोड के ऊपर, और अपना मस्त जल्दी से होटल पहुंच जाऊंगा, CNG भरवाऊंगा, और CNG पहले भरवाऊंगा होटल पहुंचने से पहले, और फिर आराम से रेस्ट करूंगा। ये अभी का प्लान है। चलो जल्दी से कवर करते हैं एक्सप्रेसवे को। गाइस आगरा पहुंच गया हूं फाइनली। 6:16 यानी 6:15 हो चुके। मैं हूं राइट नाउ आगरा इनर रिंग रोड के ऊपर, और मैं बताना भूल गया NH-19 की कंडीशन के बारे में। ओवरऑल कंडीशन ठीक थी, जितना मेरे को रिजिड पेवमेंट मिला, फिर अब मेरे को एग्जैक्टली लोकेशन तो याद नहीं, लेकिन इटावा से 70 किलोमीटर पहले का एक पैस था, वहां से मतलब ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट चालू हो जाती है, मतलब अपनी बिटुमिन लेयर, फिर वो ठीक थी, कोई कंडीशन खराब नहीं थी। ऐसे बहुत सारी जगह पे नई लेयर का काम हुआ था, लेकिन इटावा के आसपास बहुत सारी जगह पे उबड़ खाबड़ हो रखी थी, गड्ढे थे, रटिंग हो रखी थी, मतलब एक साइड में कहीं पर उठी हुई है, कहीं पर नीचे चली गई है, तो गाड़ी वहां पे बैलेंस बनता नहीं है। तो इटावा के दोनों साइड में ये प्रॉब्लम थी। फिर मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर आया, उसका भी मेरे को 1-2 पैच ही खराब मिले, बाकी कंडीशन अच्छी थी, मस्त मैं अपना 90-100 की स्पीड पे आया हूँ। और अब एक इन्फॉर्मेशन और, आगरा इनर रिंग रोड के ऊपर भी टोल प्लाजा स्टार्ट हो गया, मतलब पहले तो सिर्फ एक ही टोल प्लाजा था, लेकिन अगर आप एक्सप्रेसवे को एग्जिट करके इसके ऊपर आओगे तो भी आपका टोल कटेगा, और क्योंकि ये चालू हो गई है रिंग रोड, इसीलिए इसका ना मतलब काफी हद तक चालू हो गई है, इसीलिए यहाँ से भी आगे का टोल कटता है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपका 40 रुपए कटते ही है, लेकिन अगर आप लखनऊ से आते थे और आगरा जाते थे तो आपका टोल नहीं लगता था रिंग रोड के ऊपर आने का, लेकिन अब वो भी लगा करेगा। तो ये बात है, अब बस सिटी में एंटर होने वाला हूँ थोड़ी देर में, अब एग्जिट करेंगे रिंग रोड को, CNG भरवाऊंगा, फिर होटल पहुंचेंगे। कितने बजे ना, 6:30-7:30 तक मैक्स होटल पहुंच जाऊंगा मैं, फिर आराम से रेस्ट करेंगे और कल सुबह इस रिंग रोड को शूट करेंगे। ओके गाइस फाइनली पहुंच गया रूम में CNG भरवा के, 7 बज गए, सही टाइम से पहुंच गया हूँ। यह है आगरा का अपना रूम। अब वही रूटीन है, नहाऊंगा, डिनर करूंगा और सो जाऊंगा, और सोने से पहले कल का जो रूट होने वाला है वो डिसाइड करूंगा कि आगरा रिंग रोड मतलब इनर रिंग रोड कैसे कैसे मेरे को शूट करनी है, क्योंकि ये मेरे प्लान में अभी नहीं थी, मैं बाद में करने वाला था, लेकिन इस बार ही कर रहा हूँ इसको मैं। चलो इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्रोजेक्ट की वीडियोस भी आने वाली है, बस 2-3 दिन और रुक जाओ, फिर बैक टू बैक आएंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये अगला दिन है, मैं अब घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने आगरा इनर रिंग रोड कवर नहीं करी है, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, मूड बिल्कुल इस टाइम ऑफ है, कुछ नहीं हुआ, बस घर से मैं दूर हूँ काफी दिनों से, अब तो बस मन कर रहा है घर पहुंच जाए, क्योंकि मैं घर से 3 दिन के सोच के आया था, फिर कल 4th दिन तो आज 5वां दिन हो गया है, तो बस मन कर रहा तू घर पहुंच जाए, तेरे पास बहुत वीडियोस हो गई हैं, इनको बाद में तू कवर कर दियो, फिर आगे भी ना शेड्यूल मेरा काफी टाइट हो रहा है, इतनी वीडियोस रख के अभी मेरे को लगता है फायदा नहीं है, जितनी हो गई उतनी बहुत है। और मेरा आगरा का जो प्लान है वो है, मैं जल्दी वापस आऊंगा आगरा, फिर कवर करूंगा इनर रिंग रोड को, तो जिस दिन मैं घर से वापस आऊंगा आगरा उस दिन रिंग रोड कवर करूंगा इनर रिंग रोड, फिर आगरा में स्टे करके मथुरा होते हुए जो मथुरा बरेली वाला जो नया हाईवे बन रहा है उसको सिकंदरा राव तक कवर करूंगा या उससे थोड़ा और आगे तक कवर करूंगा, ये मेरा प्लान है। उसके बाद अपने होम डिस्ट्रिक्ट चले जाऊंगा बुलंदशहर, हाँ बुआ के यहाँ चला जाऊंगा, बुआ के गाँव,
ये मेरा प्लान था। अब बीच में ये थोड़ा सा ना कल रात लेट हो गया, उसलिए मैं आगरा रुक गया वरना घर चला जाता। मैंने बैटरी वगैरह सारी चार्ज कर दी थी, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा काम करने का, बस मन कर रहा है घर पहुंच जाऊं। क्योंकि शायद आपको मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा कि मेरा चेहरा उतर गया, इतना इस टाइम मैं कुछ भी फील नहीं कर रहा हूँ। तो बस इस ट्रिप की ये कहानी है। आज तो ये वीडियो आ जाएगी, आज कितनी है 6 तारीख, तो 6 को तो ये वीडियो आ जाएगी। जहाँ तक है 7 तारीख को, मतलब कल आगरा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की वीडियो आ जाए शायद, नॉट श्योर, लेकिन 8 तारीख को कन्फर्म आ जाएगी। फिर 8 तारीख के बाद 3-4 दिन वीडियोस रेगुलर आएंगी, फिर मैं थोड़ा सा मेरे को बाहर जाना कहीं पे, तो ये बात है। तो इस ट्रिप के लिए इतने रखते हैं, घर पहुंच के बताता हूँ गाड़ी टोटल कितने किलोमीटर चली है इस ट्रिप पे। ओके गाइज, घर पहुंच गया हूँ फाइनली, टाइम हो गया 11:30। इस ट्रिप पे मैंने गाड़ी चला दी है 2086.7 किलोमीटर। फाइनली ट्रिप सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई है। अब इन वीडियोस को डालूंगा, तो कल का रेस्ट करूंगा, परसों से वीडियोस आने लग जाएंगी। यहाँ तक देखने के लिए इस वीडियो को धन्यवाद।